दोस्तों बात करते हैं अगर फनटच ओएस 14 यानी कि जो बेस्ड है एंड्रॉइड 14 के ऊपर इतना लेट क्यों आ रहा है। अब देखो मैंने अपडेट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि जैसे कि वीवो के टी सीरीज हो जाए, वीवो के कुछ वी सीरीज और एक्स सीरीज पे ऑलरेडी अपडेट आ चुका है, बट आप में से बहुत सारे लोगों को ये अपडेट मिला ही नहीं है। बहुत सारे लोग कॉमेंट कर रहे हैं एंड साथ में जो आईक्यू के यूजर्स है जैसे नियो 6 नियो 7 उनमें से किसी यूजर्स को मिला है कुछ यूजर्स को नहीं मिला है। तो आपके दिमाग में डेफिनेटली ये सवाल होगा कि भाई साहब देखो Android 14 जो 2023 के अगस्त महीने में के पहले ही रिलीज हो चुका था एंड ढेरों सारे डिवाइसेस में आ रहा था इसका अपडेट, बट अभी तक जो है ना हमारे फोन्स में अपडेट क्यों नहीं आया। तो इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा दोस्तों एंड जितने भी डाउट्स है इसके रिगार्डिंग जो लेट अपडेट आ रहा है या फिर किस डिवाइसेस में तो अपडेट्स ही नहीं आ रहा, सबका सवाल आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। इसलिए वीडियो को दोस्तों बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखो जब आप सपोर्ट करते हो तो बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि ऐसे सभी अपडेट्स को रिसर्च करके आपको बताने में बहुत टाइम जाता है दोस्तों, बहुत सारा टाइम पैसा खर्च होता है। तो इन सभी चैनल को चलाने के लिए एंड आपको अपडेट प्रोवाइड करने के लिए हमें आपका सपोर्ट की जरूरत है। इस वीडियो को दोस्तों जितना हो सके शेयर करो, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो एंड मैं असली बात आपको बताने वाला हूं कि जो अपडेट्स आपको जो है क्यों नहीं देखने को मिल रहा। हालांकि दोस्तों कुछ यूजर्स को जो है बीटा वर्जन वगैरह अपडेट मिला है, बट ये स्टेबल वर्जन जो यूजुअली देखो हमें जितने भी फोन्स वगैरह में यूज करना होता है एंड्रॉइड को हमेशा स्टेबल वर्जन को ही यूज करना होता है। बीटा वर्जन में देखो आपको लैग इश्यू आएगा, यू नो फ्रेम ड्रॉप का इश्यू आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा। तो ये स्टेबल वर्जन अभी तक भी कोई भी डिवाइसेस में क्यों नहीं आएगा। अभी तक देखो वीवो के T1 हो जाए, T2 हो रहा है या फिर X9 वगैरह हो जाए, मतलब फ्लैगशिप अच्छे 30-40 हजार रुपए के फोन में क्यों नहीं आ रहा है, ये सवाल तो है ही ना दोस्तों। देखो जब वीवो अपने फोन्स वगैरह को जब रिलीज करती है ना, एक साल देखो पुराना हो जाए ओके डिवाइसेस, बट उसको थोड़ा लेट से एंड्रॉइड अपडेट प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि देखो इनको जो है ना अपने जितने भी नए डिवाइसेस होते हैं सबसे पहले उनको सेल करना होता है। देखा होगा आपने जो नए डिवाइसेस अभी आ रहे हैं जैसे आईक्यू नियो 9 प्रो आ रहा है, इसमें फनटच ओएस 14 यानी कि एंड्रॉइड 14 के अपडेट के साथ में आ रहा है, साथ में इसके साथ में 3 साल का एंड्रॉइड का अपडेट दे रहे हैं, मतलब इतना बड़ा चीज। बट बहुत सारे T1, T2 वगैरह फोन्स वगैरह या फिर V सीरीज के फोन वगैरह, इनफैक्ट मेरे पास भी यू नो वीवो का V सीरीज फोन है, इसमें अभी तक आया नहीं, बीटा वर्जन तक नहीं आया नहीं, बट हाँ 8-9 महीना हो चुका है एंड्रॉइड 14 का अपडेट। तो रीजन यही है दोस्तों, क्योंकि कंपनीज को जो है ना अपना नया फोन सेल करना होता है, इसलिए वो जाकर के सबसे पहले अपने नए फोन्स में फनटच ओएस 14 या फिर एंड्रॉइड 14 का अपडेट देते हैं। जैसे अभी देखो आईक्यू नियो 9 प्रो पे अभी आ गया ना अपडेट, एक दो और डिवाइसेस में आपको जो ना फनटच ओएस यानी लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 का अपडेट आएगा, उसके बाद में फटाफट पुराने डिवाइसेस पे रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा पता है, अगर पुराने डिवाइसेस पे ये लोग सबसे पहले अगर एंड्रॉइड का लेटेस्ट अपडेट दे देंगे तो इनके नए डिवाइसेस उतना ज्यादा बिकेंगे नहीं, तो ये एक सबसे बड़ा रीजन हो जाता है। बट हाँ पुराने डिवाइसेस को भी इनको देखना होता है, तो इसलिए थोड़ा लेट से अपडेट करते हैं, जैसे लास्ट 6-7 महीने पहले अपडेट हो गया और अब जाकर के बीटा वर्जन एंड करीबन जून महीने में आपको जाकर के इसका स्टेबल वर्जन रिलीज होगा एंड तब तक जाकर के कुछ और फोन्स वगैरह आईक्यू एंड वीवो वाले रिलीज करेंगे जिसमें फनटच ओएस 14 लेटेस्ट एंड्रॉइड, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे यूजर जो ना सिर्फ एंड्रॉइड वर्जन के लिए नया फोन खरीद ले और कंपनी को ज्यादा मुनाफा हो। तो आपको पूरा बात समझ में आ गया कि क्यों डिले होता है, लेट होता है। साथ में दोस्तों जो नया एंड्रॉइड बनता है ना वो नए डिवाइसेस है, नए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के हिसाब से उसको कस्टमाइज करा जाता है, तो पुराने डिवाइसेस में टेस्ट कर करके डाला जाता है, इसलिए बीटा वर्जन वगैरह रिलीज होता है। अगर आपको बीटा वर्जन इंस्टॉल करना है तो मेरी चैनल को फॉलो करो, वीडियोस में आपको अपडेट करता हूं कि कब कब आपको मिलने वाला है। बाकी आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो, आपके पास में कौन सा एंड्रॉइड अपडेट है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपने क्या आईक्यू नियो 9 नियो प्रो वगैरह नया फोन खरीदे हो तो कोई भी अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। बाकी वीडियो को लाइक शेयर करते हुए मैं मिलता हूं आपसे अगली वाली वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।